बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 3। टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 पॉट होल। जो हमने यूनिट नंबर 5 पढ़ा था, आज हम उसकी डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉट होल की डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज सेल्स वालों के जवाब दें। व्हाट हैड हैपन टू द कार डैट फाइजा सा फ्रॉम हर विंडो। उस कार के साथ क्या हुआ था जिसको फाइजा ने विंडो में से देखा था। उसका आंसर है, इट वॉज स्टक ऑन द रोड। वो रोड में फंस गई थी रोड पर। एंड नीडिड, और उसको ज़रूरत पेश आई टू हैव अ टायर चेंज, कि उसका टायर जो था उसको चेंज करने की ज़रूरत पेश आई। इसका बी क्वेश्चन है, व्हेन डिड अ ट्रैफिक जैम अकर एंड व्हाई। ऑन अगस्त 1st, यानी कि 1st अगस्त को, बिकॉज अ कार्स लोड फेल ऑफ एंड ब्लॉक्ड द रोड। एक कार जो थी वो लोड हुई हुई थी, जो कि गिर गई और उसने रोड को ब्लॉक कर दिया। ये वाक्या कब पेश आया? ऑन अगस्त 1st, 1st अगस्त को। सी क्वेश्चन है, हाउ मैनी एक्सीडेंट्स हैड टेकन प्लेस इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों में कितने एक्सीडेंट हुए थे? 9 एक्सीडेंट्स, यानी कि 9 एक्सीडेंट 2 हफ्तों में हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द पॉट होल। बिग, लाइक अ गैपिंग माउथ वेटिंग फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टम। यानी कि वो बड़ा खड्डा था और उसका मुंह काफ़ी खुला हुआ था और वो वेट कर रहा था अपने अगले शिकार का। ये वाले वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थिंग डिड फाइजा कलेक्ट। क्या चीज़ थी जिसको फाइजा कलेक्ट करती थी? फाइजा कलेक्टेड अ बास्केट सोल कंपोस्ट स्मॉल फ्लावरिंग शर्ब अ वाटरिंग कैन 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड्स सम बोर्ड पिन एंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड। 3, ये सब चीज़ें उसने इकट्ठी की और वो रोड पर आई और उनको नसब किया और वहाँ पे छोटा सा गार्डन बना दिया। वेयर डिड फाइजा प्लेस द 3 साइंस डैट शी हैड मेड। फाइजा प्लेस्ड 1 साइन एट ईच एंड ऑफ द रोड, देन ही प्लेस्ड द 3rd साइन इन द पॉट होल गार्डन। यानी कि एक उसने रोड के एंड पर लगा दिया और एक पॉट होल वाले गार्डन पर लगा दिया, ताकि लोग ध्यान से गुजर सकें वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड फाइजा टेक एक्शन टू फिल द पॉट होल। गिव अस मैनी सन्स एज यू कैन रीजन्स। ये रीजन है, गिव अस मैनी रीजन्स एज यू कैन। She had seen a lot of accident, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देख रही थी इसलिए वो कुछ करना चाह रही थी। She had written a letter to ask for help and had not received any reply or help। यानी कि उसकी ना कोई उसका रिप्लाई आया और ना ही कोई उसकी हेल्प करने को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ the types of accident that took place because of the pothole. Vehicles get stuck, damage to vehicles, a cart loses its load, etc. Here is a sentence from the story. Think about it and then answer the question. ये सेंटेंस इसी स्टोरी में से लिया गया है, आपने सोच कर बताना है कि इसका क्या आंसर है। आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर। मैं अब मज़ीद एक
मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सकती, ये किसने कहा था? ये फ़ायज़ा ने कहा था। फ़ायज़ा सेड दीज वर्ड्स आफ्टर शी हैड बीन कीपिंग अलॉन्ग फॉर ओवर दीज वीक्स, यानी कि ये बात फ़ायज़ा ने की थी कि मैं अब एक मिनट भी मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। Which words best describe the mood of the speaker at this time? B है हमारा angry and determined, ये best explain कर सकते हैं speaker के mood को। C question है हमारा what did the speaker do after this? इसका आंसर है फ़ायज़ा कलेक्टेड द मटेरियल शी नीडेड सो डैट शी इज़ रेडी टू बिल्ड हर पोर्ट होल गार्डन द नेक्स्ट मॉर्निंग। डी क्वेश्चन है हमारा डिड द स्पीकर एक्शंस हैव एनी इफेक्ट, यस इट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल, यानी कि इसकी अटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ हो जाती है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज ज़बान के मुतल्लिक सीखना। प्रेपोजिशन होते हैं हरूफ़ जार जो किसी लफ्ज़ को एक दूसरे के साथ मिलाने के काम आते हैं। अ प्रेपोजिशन शोज़ द पोजिशन बिटवीन वन नाउन एंड एन अदर, एक नाउन की दूसरे के साथ पोजिशन जो बताते हैं उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल शी बिगन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि ऑफ पेपर एंड ऑन एंड ऑफ आर प्रेपोजिशन, ये इन ओवर इन टू आउट ऑफ ये सब प्रेपोजिशन हैं, यानी कि ये एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ पोजीशन को वास्या करती हैं। अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग, इनमें से प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है। देन राइट न्यू सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द प्रपोजिशन, अंडर अंडर राउंड इनटू इजी, इनमें प्रपोजिशन को हमने अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हमने इनको फिल करना है। गो इसकी दूसरी फॉर्म है वेंट और तीसरी है गॉन। फ़ायज़ा वेंट बैक टू हर रूम, द चिल्ड्रन ऑफ द किंडर गार्डन वर डिलाइटेड, शी पुश्ड द पीस ऑफ वुड इन टू द सोल, फ़ायज़ा मिक्स्ड इट ऑल टुगेदर, हसन ड्रॉव केयरफुली अराउंड द गार्डन। नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फ़ायज़ा रोट अ लेटर टू होम, डू यू थिंक शी रोट इट, यानी कि फ़ायज़ा ने एक ख़त लिखा था, सोचें कि उसमें उसने क्या लिखा होगा। वट माइट शी हैव सेड इन इट, talk about this in class and give your own idea about what you think, यानी कि उसने क्या लिखा उसके मुतल्लिक आपका क्या आइडिया है आप सोचें और क्लास में बताएं, शेयर करें एक दूसरे के साथ। ये एक्टिविटी टीचर क्लास में करवाएगी कि बच्चे अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि हर बच्चा बताएगा कि उसने क्या लिखा उसके बारे में सोचेगा। जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लुक एट द कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ पेज वी आई, जो इस पेज पे लिस्ट दी गई है उसको देखना है। एट द स्टार्ट ऑफ दिस बुक, इस बुक के स्टार्ट में फाइंड द पेज नंबर फॉर लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर राइटिंग के लिए उस पेज को आपने फाइंड करना है। लुक एट द लेटर्स राइटिंग टेम्पलेट्स ऑन द पेज एंड डिस्कस इट, उसमें देखना है कि लेटर राइटिंग कैसे की जाती है और उसको डिस्कस करना है। लुक एट द रोड साइन बिलो, नीचे रोड के साइन दिए गए हैं। डू यू नो व्हाट द साइन मीन, क्या आप जानते हैं कि इन साइंस का क्या मतलब होता है। टॉक अबाउट देम देन ट्राई टू मैच द साइन टू द लेबल्स इन द बॉक्स, यानी कि ये कुछ लेबल दिए गए हैं ये बॉक्स, यानी कि यहाँ रोड पे ये वाला साइन होता है उसका मतलब होता है नो गुड्स व्हीकल्स, यहाँ पे ये उल्टा ऐसे यू और इसके ऊपर क्रॉस हो नो थ्रो रोड,
यानी कि इधर से गुज़रना अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये होता है जहाँ पे ये वाला साइन बना होता है उस पर क्या है, वार्निंग स्लीपरी रोड, यानी कि ये ऐसे एक स्लाइड सी बनी हुई है, इसका मतलब है कि वार्निंग दी जा रही है। जहाँ पे ये वाला साइन बना होता है इसका मतलब होता है पेट्रोल स्टेशन, यानी कि पेट्रोल पंप जो है वो बिल्कुल करीब है। जहाँ पे ये वाला साइन बना हो मैक्सिमम स्पीड लिमिट, यानी कि 50 से ऊपर आप गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते, मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है वो 50 होनी चाहिए। जहाँ पे ये वाला साइन हो ये भी वार्निंग स्लिपरी रोड, ये भी वार्निंग है कि इधर से आप इस रोड से आप स्लिप हो सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी साइन होते हैं रोड के, वो जब ड्राइविंग करते हैं तो पूरा पैटर्न आपको आना चाहिए ताकि आप रोड एक्सीडेंट से बच सकें। कंपोजिशन तहरीर, रीड द फॉलोइंग शॉर्ट नोट रिटन बाय द फोटोग्राफर हु टुक फोटोग्राफ्स ऑफ फाइजर्स पॉट होल गार्डन, यानी कि ये उस फोटोग्राफर को लिखा गया है जिसने फायज़ा के गार्डन की तस्वीरें ली थी। टू द टाइटल, आई हैव टेकन पिक्चर ऑफ द पॉट होल डैट हैज़ बीन टर्नड इनटू अ गार्डन, यानी कि मैंने उस गार्डन की तस्वीरें बनाई हैं जो कि पॉट होल से बाग में तब्दील हो गया है। आई थिंक दिस विल मेक अ गुड न्यूज़ स्टोरी, मेरे ख्याल में ये अच्छी एक खबरों की स्टोरी है, न्यूज़ स्टोरी है। प्लीज़ टेक अ लुक एट द पिक्चर डैट आई हैव सेंट टू यू, जो मैंने तस्वीरें आपको सेंड की हैं उनको एक नज़र ज़रूर देखें। आई कैन आंसर एनी फर्दर क्वेश्चन डैट यू हैव रिगार्ड्स न्यूज़पेपर या फोटोग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ योर ऑन टू इन्फॉर्म अ फ्रेंड अबाउट एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन योर नेबरहुड, यानी कि आपने अपने फ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है कि हमारे पड़ोस में बड़ी अच्छी डिवेलपमेंट हो रही है। हाउ विल यू स्टार्ट यू नोट, विल इट बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये भी इसका भी नोट लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, फाइज़ा रोट अ लेटर, कि फाइज़ा ने एक ख़त लिखा अबाउट अ डेंजरस प्रॉब्लम, डेंजरस प्रॉब्लम क्या था, पॉट होल वाला, एंड द प्रॉब्लम वाज फिक्स्ड, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन योर एरिया डैट नीड टू बी फिक्स्ड, राइट अ लेटर टू द सिटी काउंसिल एक्सप्लेनिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड आस्किंग फॉर इट टू बी फिक्स्ड, यू कैन आल्सो सुजेस्ट सोल्यूशन ऑफ योर ऑन, यूज़ द लेटर राइटिंग, यानी कि आपने सब लेटर राइटिंग वाली टेक्निक यूज़ करते हुए लेटर लिखना है अपने काउंसिल को, यूनियन काउंसिल को, वहाँ पे अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है अपने प्रॉब्लम की, और उसमें तमाम चीज़ें वो आपने लिखनी हैं। वो नोट्स हम देख लेते हैं जी। इस क्वेश्चन के हमने ये जो पढ़ा था शॉर्ट नोट्स, इसके तैयार कर लिए हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट टू योर ऑन टू इन्फॉर्म अ फ्रेंड अबाउट एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन योर नेबरहुड, हाउ विल यू स्टार्ट योर नोट, इट विल बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसके नोट्स तैयार कर लिए हैं, आइए उनको देखते हैं। ऊपर हम टू अली, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। आई हैव सीन समथिंग इंटरेस्टिंग टूडे, कि मैंने आज कुछ दिलचस्प चीज़ देखी या चीज़ें देखी, एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट इट, मैं तुम्हें इसके मुतल्लिक बताता हूँ। अ न्यू शॉप हैज़ ओपन्ड इन आवर नेबरहुड, इट इज़ अ शॉप ऑफ बुक्स बट इट does not only sell books, it also lots you, यानी कि ये आपको देती है बोरो उधार them, ये आपको उधार भी बुक्स वहाँ से मिल सकती हैं, जैसे हम लाइब्रेरी से बुक वगैरह इशू करवाते हैं। You can borrow a book for a week, आप अगर एक हफ्ते के लिए बुक वहाँ से इशू करवाते हैं, लेते हैं, and read it, you will have to पे ओनली 1 रुपी पर डे, यानी कि हर दिन का 1 रुपया आपको पे करना होता है। इफ़ यू रीड द बुक इन 3 डेज यू विल हैव टू पे ओनली 3 रुपीज़, अगर आप 3 दिन उसको रीड करते हैं तो सिर्फ 3 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे।
दैट मीन्स इन 7 रुपीज एट मोस्ट, यानी कि 7 दिनों के 7 रुपये बन गए. यू कैन रीड अ बुक डैट मे कॉस्ट यू अ 100 रुपीज, अदरवाइज ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केस ऑफ द बुक इफ़ इट हैज़ एनी वेयर एंड टेयर, अगर वो फट जाती है या उसका कोई पेज वगैरह ख़राब हो जाता है. यू हैव टू बाई इट, तो वो आपको ख़रीदनी पड़ती है. बट आई थिंक इट इज़ अ गुड डील, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी ये एक अच्छी डील है. आई विल एग्री यू टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. सी यू सून योर फ्रेंड, ये हमने एक आई विल अरेज यू टू टेक अरेज, तो ये हमने नोट इसका आपको दिखा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइजा रोट अ लेटर अबाउट अ डेंजरस प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम वाज फिक्स्ड, यानी कि इसका हमने जो डेंजरस प्रॉब्लम का यानी कि लेटर लिखना है, लेटर टू सिटी काउंसिल एक्सप्लेनिंग व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड आस्किंग फॉर इट टू बी फिक्स्ड. यू कैन आल्सो सुजेस्ट सोल्यूशन ऑफ योर ऑन, यानी कि आपने ख़त भी लिखना है, उसमें कोई ना कोई सुजेशन भी देनी है, सुजेस्ट करना कि इसका ये हल हो सकता है. यूज़ द लेटर राइटिंग, जो लेटर राइटिंग टेक्निक्स हैं वो सारी यूज़ करते हुए आपने ये लिखना है. इसके बाद है रिवीजन, इसके मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ. रिवीजन में टीचर इसको रिपीट करवाएगी. हाउस नंबर 1 स्ट्रीट ए, आप किसी भी मसलन बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं या सिंध से हैं, अपने सूबे को मेंशन कर सकते हैं. सिटी ABC, 25th October 2020. रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल, सिटी काउंसिल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर अटेंशन, यानी कि मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, टू द कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, गलियों की जो लाइट्स हैं उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहती हूँ. आर आउट ऑफ ऑर्डर, कि उनका कोई ऑर्डर नहीं है, वो सब ख़राब हो चुकी हैं. एंड द वंस डैट वर्क बिगेन टू फ्लिकर न्यू एंड देन एज अ रिजल्ट आवर नेबरहुड इज ऑफ्टन प्लेग्ड इन टू डार्कनेस एट नाइट, यानी कि रात को हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, पड़ोस में गलियों में. इट इज़ कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि इसकी वजह से वहाँ के फॉर द रेजिडेंट्स, वहाँ के रहने वालों को, ये आर है, वहाँ के रहने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, कि इतना अंधेरा होता है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है. Thieves are taking full advantage, यानी कि चोरों को full advantage है वहाँ of this situation, and many people have been reported during the last week. Please take step to fix this problem. We should be very grateful to you. यानी कि आप वो lights वगैरह ठीक कर दें ताकि चोरों को मौका ना मिले. With regards, your truly XYZ. इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.